प्रदेश में कोरोना की महामारी के चलते लोग चिंतित थे, लेकिन अब प्रदेश की जनता बढ़ती महंगाई के कारण भी चिंतित हो रही है। लोगों पर सबसे अधिक असर पेट्रोल और डीजल के बढ़ती कीमतों से पड़ रहा है। आय के साधन ना के बराबर है, ऐसे में बढ़ती कीमतों ने मानो प्रदेश की जनता को निचोड़ कर रख दिया है। दुकानों और उद्योगों में लगे कर्मी जो दो पहिया वाहन या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करते थे, उन पर इसका बेहद असर देखा जा रहा है। आए दिन कीमतें बढ़ती जा रही हैं। सोलन वासियों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। इससे कीमतें बढ़ने से पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी महंगा हो रहा है, जिसकी वजह से प्रत्येक वस्तु के दाम पर असर पड़ रहा है। उनका कहना है कि कोरोना काल में उनकी आय बेहद कम है, सभी लोग अपना खर्च कम कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर सरकारें पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा रही हैं, जो गरीब के हित में नहीं है। टैक्सी यूनियन के चालकों ने भी इस पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ने से उन्हें भी मजबूरन अपने दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से उनके ग्राहक भी बेहद परेशान हो रहे हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण करे। इस हिसाब से ये पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं, इस हिसाब से तो आने वाले टाइम में हमें अपने व्हीकल छोड़ के पद यात्रा ही करनी पड़ेगी, पैदल ही चलना पड़ेगा। जिस हिसाब से ये जब भी किसी चीज़ का रेट बढ़ता है वो पेट्रोल और डीजल को लेकर ही बढ़ता है। मार्केट के अंदर कोई भी चीज़ आए, जब तेल और डीजल के रेट तेज है तो समझो हर चीज़ का रेट जो है तेज है। जयराम सरकार से सिर्फ एक ही बात पूछना चाह रहा हूँ कि एक तो इतनी कोरोना महामारी हो रही है, ऊपर से पेट्रोल और डीजल के दाम इतने जल्दी बढ़ रहे हैं, और इससे देखो एक आम जनता को बहुत नुकसान होता है, क्योंकि हर चीज़ जो नीचे से आती है या यहाँ से जाती है उसमें ट्रांसपोर्टेशन होती है, ट्रक्स में डीजल डलता है। डीजल भी आज के टाइम में 83 रुपये हो गया है। जब 83 रुपये डीजल हो रहा है तो अपने आप कैरेज महंगा हो जाएगा, अपने आप सब्जी महंगी हो जाएगी। और इससे मतलब मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि तेल के रेट बढ़ाएं, लेकिन हमें बताएं तो सही किस वजह से बढ़ रहे हैं। कोई रीज़न होगा, आम जनता को बताएं क्या रीज़न है, जनता सुनेगी। जब आपको वोट देके मोदी जी हमने बनाया है तो आपकी हर बात सुनेंगे हम। मैं प्रेसिडेंट टैक्सी यूनियन ओल्ड बस स्टैंड सोलन, कमल कुमार। हमारा तो मेन कहना है जी, जैसे डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, उसमें कि अगर पैसेंजर हमारे पास आता है तो हम उसको मान लो शिमला के हम 1200 रुपये बोलते हैं, 1200 रुपये रेट बनता है या 1500 रुपये रेट बनता है, तो उसमें अगर हम थोड़े से ज़्यादा बताते हैं तो वो बोलते हैं जी हम तो दे नहीं सकेंगे, क्योंकि बसें भी नहीं चल रही हैं। पेट्रोल डीजल में बढ़ाने से हमें तो अपने पैसे बढ़ाने ही पड़ेंगे, तभी हमारे को फ़ायदा होगा, वरना हमारे को भी नुकसान हो रहा है ना जी। पहले डीजल जो पिछले साल रेट था वो 60-70 रुपये था, आज रेट डीजल का 85 रुपये हो गया और पेट्रोल 95 रुपये करीब जा रहा है। तो हम जब रेट आगे बढ़ाते हैं तो लोग उसके लिए पैसे नहीं देते। तो हम तो चाहते हैं कि सरकार इस डीजल और पेट्रोल पर लगाम लगाई जाए, और जैसे हम रेट बताते हैं बसें चल नहीं रही है, ऑटो नहीं चल रहे हैं, लोकल सवारी आती है उनको भी प्रॉब्लम हो रही है, और अगर हम पैसे बताते हैं तो वो फिर हमारे से सवारी निकल जाती है, क्योंकि उनको पैसे हमारे ज़्यादा लगते हैं, और वो फिर प्राइवेट की तरफ गाड़ी चली जाती है। प्राइवेट गाड़ी अगर मान लो उन्होंने गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं देना है, हमने तो गवर्नमेंट को टैक्स भी दे रहे हैं और डीजल पेट्रोल महंगा ले रहे हैं, और उन्होंने तो कुछ भी नहीं देना सरकार का, इसलिए वो प्राइवेट में गाड़ी चली जाती है, प्राइवेट से भी हमारे को बड़ा नुकसान हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि प्राइवेट गाड़ी पर भी लगाम लगाया जाए और पेट्रोल पर भी लगाम लगाए, सरकार से यही निवेदन है कि देखिए जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उससे हमें तो समस्या आ ही रही है, जो हमारे कस्टमर है उनको भी समस्या आ रही है। डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो दिखती बात है हम भी अपने जो आने जाने के किराया है वो बढ़ाएंगे, किराया बढ़ेगा तो उसकी मार किसके ऊपर पड़ेगी, आम जनता के ऊपर। तो मेरा तो यही आग्रह है सरकार से कि जो पेट्रोल डीजल के दाम है उसको कृपया थोड़ा सा कम बढ़ाया जाए, ताकि वो जनता के ऊपर मार ना पड़े। सभी लोग अपने घरों के अंदर है, उनको कोई काम काज नहीं है, बेरोजगार लोग हैं, तो जो भी व्यक्ति जैसे कहीं दाएं बाएं जाना होता है, किसी ने किसी ज़रूरी काम से टैक्सी हायर करने के लिए आता है, तो हम अपने जैसे रेट उनको बताते हैं जिस प्रकार से डीजल पेट्रोल बढ़ रहा है, तो वो लोग जो है यही बात करते हैं कि इतने पैसे हम नहीं दे पाएंगे और आप ज़्यादा पैसे ले रहे हो, परंतु हम क्या करें, हमारी भी मजबूरी है, क्योंकि जब डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो हम भी थोड़े से अपने पैसे बढ़ाकर ही बोलेंगे, तो लोग भी एक किस्म से जो सही है अपनी जगह पर, क्योंकि उन लोगों के पास रोज़गार नहीं है इस समय, अपने घरों के अंदर हैं, पैसा नहीं है लोगों के पास। तो हम सरकार से जो है इस विषय पर यही निवेदन करते हैं कि पेट्रोल डीजल
डीजल के दामों पर जो है वो लगाम लगाई जाए और इनके दाम जो है ना बढ़ाए जाए।